प्रपंचों में भेद दिखाई पड़ता है, ये पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, ये केवल व्यवहारिक मात्र है। परंतु पारमार्थिक सत्य वस्तु तो है शुद्ध चेतन तत्व अधिष्ठान रूप में, संकल्पना के अधिष्ठान के रूप में सुधीबाबू के आधार पर विलास जिसको हम लोग ने कहेंगे कि पहले दिखा देखो कि कई बार के लिए शंका है कि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग जन्मदिन होती है तो चलिए आत्मा अलग होना चाहिए। फिर क्या है सुख दुख अलग अलग होता है, भूख अलग अलग होती है, तो ये सब अलग अलग देख करके उन लोगों ने ये समझा कि आत्मा भी अलग अलग भिन्न होना चाहिए। और दुर्बंधों से बचने में तो सारा के सारा जो कर्मकांड तो उपासना के बारे में कथन किया हुआ है वो तो सब जो है भेद को माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है तो ऐसा ही लगता है कि ग्रंथ की पहला भाग में तो सारा भेद प्रतिपादन किया गया है, इसलिए भेद सत्य है, परंतु उसी श्रुति ने अगले भाग में आकर के अपने आप सारा भेद को निषेध कर देते हैं। तो इसीलिए भेद में पारमार्थिकता नहीं है, तो केवल व्यवहार मात्र है। इसको श्रुति वाक्य के सहारे भी श्रुति वाक्य को लेकर के जैसे सबसे मुख्य है संभूति का भगवान मधु ज्ञानी, इस प्रकार से आज भी हमारे पास दो मुख्य वाक्य है, अर्थात आदि सुनेगी ने भी और बाचार मन की बात। जितनी सारी वस्तु पारमार्थिक हुई होगी ना तो श्रुति इसका निषेध नहीं करती, यानी कि व्यवहारिक भेद में पारमार्थिक कथा नहीं है, ये इसकी तात्पर्य है। और जिस प्रकरण में इस बात को बताया हुआ है उस प्रकरण के तात्पर्य वेदना के छह लिंग है, उपक्रमशा अभ्यास अपूर्वता फलन अथवा उपप्रतिष्ठ षडलिंग तात्पर्य निर्णय, इस तात्पर्य निर्णय शैलिंग के आधार पर प्रसूति पे डालने पर इसके तात्पर्य विशिष्ट करके उपक्रम संघार के बल पर प्रतिज्ञावाद को आंशिक संघार करते इसके बल पर ये एकत्र भी प्रतिपादन करना चाहता है, भेद को निषेध करना चाहते हैं सुखी, ये अभी तक अब तक पता लगता है। इसलिए कल जिसका हम लोगों ने बढ़ते शनि इसकी व्याख्या तब भी नहीं देते, किसी भी जगह में आप हमारे पास जो है सृष्टि के प्रकरण छांदोग्य उपनिषद में, तैतरीय उपनिषद में, बृहदारण्य में, ऐतरीय में, हर जगह जो उपनिषद सृष्टि का प्रकरण है मुंडक में पहले प्रतिज्ञा करते हैं सदैव सौमयासी देवा में पढ़ाती है अथवा ब्रह्मा का इतनाभ्यासी आत्मा का इतनाभ्यासी पहले वहाँ से शुरू होकर को दिखाते हैं कि सजा के विद्या के सदर भेद से नहीं देखते तो भी पारमार्थिक सत्य, क्योंकि आविश्वत नहीं है वो तो आविश्वत ही है, परंतु आपके यहाँ का उस सब तत्व को समझाने के लिए तो सुखी ने कुछ आरोप किया था हमको, क्योंकि नाम को आरोप नहीं करते तो सब कुछ वस्तु की मतलब कारण की इस प्रकार वो सत्ता को समझ में नहीं आता। फिर बाद में कार्यकरण भाव हम दिखाते हैं, आपको कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं जब कोई कार्य होगा तो देखो उसके पीछे कोई ना कोई कारण चाहिए, कारण के बिना तो कार्य होने संभव नहीं है, तो कोई ना कोई कारण ठीक है ठीक है। क्योंकि आपने बोलते ये जो कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है ना तो ये कारण है, ये दिखाई ये जो कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, अथवा तो आदेश चुने के लिए आत्मा, क्योंकि हम क्या ये केवल प्रकृति मात्र है, परंतु किसी भी वस्तु को प्रकृति के लिए कोई ना कोई अधिष्ठान चाहिए, इस पर हमने पहले पारमार्थिक आरोप किया। जब यहाँ पर कार्य पारमार्थिक शक्ति नहीं है तो क्या जगह तो वस्तु कारण का कारण नहीं है, उसमें कारण नहीं है,
पहले तो कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, तो कार्य जो है तो कारण जरूर होता है, कारण के बिना तो कार्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। फिर श्रुति अपने आप कार्य को निषेध कर देती है, अथा तो आदर्श नीति के निर्वाचन श्रुति वगैरह अपने आप कार्य को निषेध करते हैं। कार्य को निषेध करने से वो कारण का निषेध नहीं है, जिसमें कारणता के आरोप किए थे वो निषेध मंत्र होगा, एक अधिष्ठान मंत्र हो गया। जिस प्रकार देखिए कई अधिष्ठान इस लाइट, जिस प्रकार दस बारह घड़ा रख दीजिए, सूर्य होगा उस पर पानी रख दीजिए, आपको अलग 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 एक बिंब, दस घड़ा में पानी, दस घड़ा में उस प्रतिबिंब, एक घड़ा टूट गया, क्या बचा हमारे पास, नौ घड़ा में पानी, नौ घड़ा में प्रतिबिंब और एक बिंब, दूसरा घड़ा टूट, आठ घड़ा में पानी, आठ घड़ा में प्रतिबिंब और फिर जब एक बिंब, ये हम क्या है हमारे पास, ऐसा करते करते जैसे आपका दसवां घड़ा टूट जाता है तो आपके पास क्या बचेगा, एक केवल एक आप क्या बनेंगे, बिंब, परंतु आप यहाँ पे कोई एक वस्तु है और यहाँ पे बिंब शब्द प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब के सापेक्ष में मैं बिंब शब्द प्रयोग कर रहा था, पर इतना देर में दस घड़ा तोड़ते तोड़ते आपको निश्चय हो गया कोई एक प्रकाशशील वस्तु पर है। इस तीन श्रुति के अभी उपाय से अवतार है ना, इसमें उपाय उपयनिष्ठ होता है, ये जो उपाय हमने अपनाया मतलब जो दृष्टांत वगैरह समझाया, हम एक वस्तु पर है जिसको दिखाई नहीं दे रहे पर उसका कुछ कार्य दिखाई दे रहा है, इस कार्य को देखकर इसको कार्य लिंग अनुमान तो कारण कोई है, परंतु वास्तविक होने कारण का नहीं है, क्योंकि हम परिणाम होने की मतलब योग्यता ही नहीं है उस वस्तु, इसलिए यहाँ पे देखिए स्थिति बात है, सर्व अग्रह्य भाई भाग्य न हेतु न अजन प्रकाश, जितना मतलब ग्रहण नहीं किया जा सकता इसी को कारण रूप में दिखा करके उस जन्म रहित तत्व को प्रतिपादन किया जाता है, उस जन्म रहित तत्व को अपरिणामी तत्व को कस्मित तत्व को वहाँ पे प्रतिमंडल शुद्ध दिया जाता है। कल हम लोग ने 27 नंबर श्लोक को पढ़ लिया था, ठीक है ना, उसके ऊपर उपाध्यात किया दिया था, आत्मतत्वम अजम अद्वितीयम परमात्मभूतम द्वैतम तो माया परिता अशि प्रतिपादित, अभी तक यहाँ पे सुनील आपको कहा था कि आत्मतत्व अधिष्ठान रूपी आत्मा जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है, और द्वैत निर्देश में जितना भेद दिखाई पड़ता है कि भेद पारमार्थिक नहीं है, भेद व्यवहारिक है। आप खुद अपने आप देखिए, इस समय आप अपने आप में रहते हैं अकेले, चाहे सुषुप्ति चाहे समाधि रूप ध्यान अवस्था, तो अपनी मस्ती में है, उस समय आपको दूसरे जगह कुछ पता ही नहीं लगता, कांच का आपके सामने से कोई चला गया कुछ हो गया आपको पता ही नहीं है, तो आपका माइंड अपने में नहीं पहुँच सकता, संकल्प का अनुभव नहीं, यदि इसी प्रकार से मन व्यवहारिक जगत से मन को लग सकते हैं फिर कुछ नहीं है, बस अपने ही लाभ होगा तो शुद्ध तक अपने प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए आपको बोला कि आत्मतत्व अजम अद्वित्य परमात्मभूतम दैतम को माया परिवर्तन शरीर, इसीलिए एक इसी विषय में एक अलग हेतु हो गया। श्लोक को एक सामने के पढ़ेंगे, सतो ही मायया जन्म युच्यते न तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य जायते, ये सत वस्तु के सत या पंचमी भी हो सकता है षष्ठी भी हो सकता है, दोनों सब वस्तु से विद्यमान वस्तु है, उस विद्यमान वस्तु से अथवा सबसे त्रिकाल अबाधत्तम सत्यत्तम मतलब किसी निर्विकार वस्तु से और परिणाम होकर के जगत की उत्पत्ति हो जाए होना संभव नहीं है, तो यदि दिखाई पड़ता है तो क्या हो जाएगा, माया, माया से प्रतीत हो जाए संभव नहीं है, सब तो फिर सबसे जो जन्म दिखाई पड़ते हैं वो माया से हो सकता है, पारमार्थिक तत्व तो होना संभव नहीं है, अथवा सत का सत पंचमी हो सकता है, सत का जो जन्म आपको दिखाई पड़ते हैं वो माया से ही होना संभव है, ताकि होना संभव नहीं है, क्योंकि जो विकारी होगा वो त्रिकाल अवाधत्व नहीं होगा, त्रिकाल अवाधत्व सत्यत्व कहीं परिणामी होगा तो परिणामी नाशना समान वस्तु होता है, शंकर तरह परिणामी नहीं तो हम नहीं बन सकते हैं, परिणामी वस्तु नहीं तो नहीं हो सकता, तत्व तो जायते यस्य, जिस व्यक्ति के मन में कि तप्तिक रूप से सृष्टि होती है, तो आप बताओ जहाँ से सृष्टि होती है तो वो जो है पैदा हुआ वस्तु है तो अपैदा हुआ वस्तु है, तो यदि वो पैदा हुआ वस्तु है तो उसको पैदा करने के लिए किसको चाहिए, तो फिर वो कहाँ से है, वो पैदा हुआ तो उसके लिए अनावस्था को अगर पैदा हुआ ही नहीं अब तो क्या होगा, तो अजय है, तो अजय से फिर उत्पत्ति कैसे होगी,
इस प्रकार से तब तक जो जायते यस्य जातम तस्मै ब्रह्मत विद्यमान पैदा हुआ वस्तु फिर उसी से जब उत्पन्न हो जाए विकारी वस्तु से विकारी वस्तु को उत्पन्न हो सकता है जो अभिप्राय तब देखिए टीकाकार लिखते हैं जब आत्मतत्व सदा सब एक रूपम जो आत्मतत्व है जब सब तो जहाँ भी है क्योंकि वो जब सब दोनों प्रसिद्धि का द्वारा होता है प्रसिद्धि का बोलते हैं प्रसिद्ध है शास्त्र प्रसिद्ध है जब आत्मतत्व सदा सब एक रूपम हो गया हमेशा सब एक रूप सब मतलब विकार अवगत कभी बाधित नहीं था हमेशा एक रूप है तस् माया जगत आकार जन्म होता उसको यदि आपको कुछ जन्म हुआ है आपका प्रतीति होता है तो समझना कि वो माइक है जब आत्मतत्व सदा सद एक रूपम हमेशा एक रूप है किस रूप है सत्य रूप है दस अस्थि मात्र है सब एक रूपम मतलब उसमें और कुछ भी नहीं है जस्ट एग्जिस्टेंस ऑनली है ना वो सत्ता का आप यदि आपके सामने अपनी सत्ता की स्फुरन नहीं होता सत्ता से स्फुरन कोई भिन्न तत्व नहीं है मैं सत्यरूप हूँ लेकिन अगर सत्य स्फुरन होना तब तो मैं सत्यरूप हूँ आप शरीर को छोड़कर आप अपनी सत्ता को अनुभव करते मैं शरीर रूप हूँ तब शरीर के सत्ता को लेकर के बोल रहे हैं परंतु जब हम निश्चित करते जाएंगे अंतिम तक आपका स्वयं अहंकार तो परिचित चिताभास है वो भी आपका युद्ध का विषय बनता है अहंकार को परास कर उसको भी जब निश्चित कर देंगे उसका अधिष्ठान रूप जो तत्व बचा रहेगा वो केवल सदरूप है और उसका स्मरण होता है हमारे पास हम अपने आप समझते हैं वो किसी प्रमाण अथवा किसी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखते अपने आप होने पड़ता है इसलिए हम बोलते हैं जब आत्मतत्व सदा सदैक रूप है हमेशा सदरूप है वो एक ही रूप है उसका कोई दो रूप नहीं है तस् माया उसी तत्व का माया से माया जगत आकार जगत रूप से जन्म उत्पन्न जब माया से जगत रूप में पढ़ना होना जगत रूप में देखना ये होना तो संभव है परंतु माया के बिना कोई होना संभव ही नहीं है अभी माया को यह वस्तु माया दुर्मिलों को अर्थ समर्थन पटीयस्था ये माया क्या होता है जो होना संभव नहीं है उसको संभव करके दिखाने के लिए बहुत पटीयसी है बहुत ही मतलब कुशल है माया माया के द्वारा दुर्निरूप अर्थ मतलब जिसको निरूपण करना संभव नहीं है इस विषय को समर्थन पटीयस्पा है ना तो समर्थन करने में प्रतिपत्ति बहुत बढ़िया अघटन घटन पटीयसी माया जो होना संभव नहीं है क्या होना संभव नहीं है सब एक रूप पूर्ण एक शुद्ध चेतन तत्व विद्यमान है वहाँ पे भेद होना वहाँ भेद का तो संभव ही नहीं है परंतु जो है माया की ऐसी महिमा है वो ऐसा करके दिखाते हैं माया दुर्निरूप अर्थ समर्थन प्रतिस्पा परमार्थ वस्तु एक रूपम अनेक रूपतया न उत्पत्ति विरोधा विद्यम पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे ये क्यों लग रहा है इसका विपरीत जो माया से दिखाई दे रहा है वास्तविक स्थिति इसका विलक्षण है जो होता है परमार्थ वस्तु एक रूपम शुद्ध चेतन तत्व एक रूप है अनेक रूपतया वो एक रूप होते हुए अनेक रूप में उत्पत्ति हो जाना अनेक रूपतया न उत्पत्ति पारयति संभव तो उत्पत्ति होना हम संभव है क्यों एक रूप होते हुए अनेक रूप में उत्पन्न हो जाए ये होना संभव नहीं है विरोधा क्योंकि विरोध होने के लिए आप बोलेंगे कि मृत्यु का तो एक रूप है और उसके अनेक रूप घर पूजा ये सब अनेक रूप का दिखाई दे रहा है वो केवल नाम रूप को आपको दिखाई दे रहा है परंतु उसमें मृत्यु मृत कभी नहीं कभी चल रहा उसमें मृत्यु तो कभी कभी चल नहीं है ऋषि अपनी कार्य सुहाम जगत की मिथ्या बोलते हैं किसको मिथ्या बोलते हैं कौन भाव को मिथ्या बोलते हैं त्रिशु अपनी कालेशु जगत सत्ता न व्यभिचार नहीं करता ब्रह्मा जो अभी तैयारी उत्पन्न है तीनों काल में जगत अपनी सत्ता को व्यभिचार नहीं करता किसकी व्यभिचार करता है नाम रूप को व्यभिचार करता है इसलिए हम नाम रूप को मिथ्या बोलते हैं सत्ता को मिथ्या नहीं बोलते हैं है ना एक एक ही जगह पे एक साथ आपको यहाँ पे छह वस्तु दिखाई देगा एक सत अनंत और उसके साथ नाम रूप और अर्थ क्रिया करना इसीलिए वस्तु है ना ये वस्तु विद्यमान है हमें दिखाई पड़ रहा है और हमारे लिए आनंददायक है सभी वस्तु में यही है और इस वस्तु के एक नाम है एक रूप है और एक उपयोगिता है ये नाम रूप और उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है ये टूट भी जाएगा तो क्या बोलते हैं टूटा हुआ लोहा है टूटा हुआ लोहा है हमारे लिए आनंददायक नहीं होने का कवारियों के लिए आनंददायक हो जाता है इसका मतलब सच्चिदानंद में परिचय नहीं हुआ
परंतु नाम रूप में व्यभिचार है। तो जितना हिस्से में व्यभिचार होता है उतना को हम मिथ्य बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। ये भी लोग समझ नहीं पाते बिना की जगत को मिथ्या बोलते हैं, हम किसको मिथ्या बोलते हैं, क्यों मिथ्या बोलते हैं। जो व्यभिचार करते हैं वो मिथ्या है, और मिथ्या असत एक वस्तु में कल भी कहते हैं अनित्य मिथ्या असत तीनों चीज का। अनित्य तो जगत को सही बातें नहीं मानते, परंतु मिथ्या मानने की हिम्मत नहीं करता। मिथ्या मतलब क्या होगा कि प्रतीति तो होती है परंतु जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है उस रूप में हमें प्राप्त नहीं है, और असत वस्तु का भी प्रतीति नहीं है। बंधा बुद्ध आकाश को सुना भी लेकर प्रतीति नहीं होती। यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि माया एक ऐसी वस्तु है जो होना संभव नहीं है, उसको मतलब हुआ करके दिखाते हैं, मतलब तो हो गया ऐसा दिखाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि परमार्थ तो तुम एक रूपम अनेक रूप बताया न उत्पन्न पारे, पारमार्थिक एक रूप रह करके अनेक रूप में पारमार्थिक रूप उत्पन्न हो जाना, ये होता है विवर्तवाद में, ये होना संभव है। एक ही रज्जु पड़ा हुआ है, अलग अलग व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार सर्प माला झुंझ पूछ दंड जलधार कई प्रकार से कल्पना करें। एक ही रज्जु पड़ा हुआ है, एक ही वस्तु अनेक अलग रूप में परिणत नहीं हुआ, विवर्तवाद में एक वस्तु को अनेक रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार सत एक अधिष्ठान में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हिमालय नदी सब उसके ऊपर करके हम अपनी भावना हमसे कल्पना करें। इसलिए पारे यदि क्योंकि इस प्रकार विरोधी चीज नहीं हो सकता, विरोध हो जाएगा यदि व्यक्ति यदि ऐसा नहीं मानोगे तो विपक्षी दोष मानो, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो आनंद के लिए श्लोक का ही अर्थ कर रहे हैं। तत्तो जायते दस्य, जिसकी सिद्धांत के अनुसार तात्विक सृष्टि हो जाए, मतलब इधर तो पहले प्रतिज्ञा करेंगे अजो जो हमारा मूल तत्व है उससे ब्रह्म होना समुजन्म रही तत्व से उत्पन्न और फिर उसी से उत्पन्न हो जाए, तो आपका बात विरोध हो गया, व्याघात दोष के तरह प्रसिद्ध है। प्रतिज्ञा कुछ किया और विश्लेषण को तौर कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि तत्व जायते दस्य जातम कश्य भी जायते, मतलब पैदा हुआ वस्तु को आप एक भिन्न रूप में देखते हो तो उत्पन्न हुआ ऐसा कह सकते हैं, जन्म रहे थे उसको जन्म हुआ ऐसा कहना व्याघात दोष है, ऐसा कहना व्याघात दोष है। किसी को देखिए आनंद के लिए कह इसका अर्थ करें, जस वादिनो मते ब्रह्म एव परमार्थ जगदात्मना जायते, जिस वादी के मत में ब्रह्म ही पारमार्थिक दृष्टि से जगत रूप में उत्पन्न होता है, जिस वादी के मत दस वादी नष्ट एक वचन वादी न जिस वादी के मत में मते ब्रह्म एव ब्रह्म ही परमार्थ पारमार्थिक दृष्टि से पंचमी जगत आत्मना जायते जगत रूप से उत्पन्न हो जाए, तस् उस वादी के मत में अजस् जायमानत्व प्रतिज्ञाया व्याहतत्वा, तो आपने पहले क्या प्रतिज्ञा किया था अजय, और फिर अपना भी क्या बोलता है तो उत्पन्न हो, तो आपका प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा हानि एक निग्रह स्थान है, हम किस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे शास्त्र में पहले विषय दिया जाता है, आप उसको बात आपका निर्धारण कर दिया जाएगा, आप इस विषय को प्रतिपादन करने के लिए इस ग्रंथ के सहारे बोल सकते हैं। अब यदि उसको आप उस प्रतिज्ञा के बाहर जाते हैं आपका हाथ मतलब निग्रह स्थान बोलते हैं इसको, नए दर्शन में 16 पद जो आया उसमें भी निग्रह स्थान को मानते हैं। यहाँ पे बोलते हैं तुमने प्रतिज्ञा एक किया और प्रतिपादन को दूसरा कर रहे हो, मते ब्रह्म परमार्थ जगतात्मना जायते तस्य अजस्य जायमानत्व, वो अज है और उसमें जायमानत्व धर्म रहेगा, अजस्य जायमानत्व जन्म रहित तत्व में और जायमानत्व धर्म रहेगा, है ना। इस प्रकार के कथन है प्रतिज्ञाया व्याहतत्व, उससे क्या हो जाएगा तुम्हारी प्रतिज्ञा का व्याघात हो जाएगा। जातस्य एव जायमानत्व एषः, जो चाहे जात वस्तु है जिसका अंदर उत्पत्ति होने का सामर्थ्य है उससे तो जायमानत्व उसको उत्पत्ति होते हुए दिखाई देना संभव है, जिस वस्तु में उत्पत्ति होने का संभव है उस वस्तु को उत्पत्ति होते हुए दिखाई देना संभव है, क्योंकि जातस्य जायमानत्व एषः यही होना संभव है। और उसमें क्या हो जाएगा अनवस्था हो जाएगा, क्यों आप जब एक पैदा हुआ वस्तु से दूसरे हो तो यह पैदा हुआ वस्तु कहाँ से है, उसके लिए कोई जातो वस्तु चाहिए तो उस जातो वस्तु कहाँ से आए, उसके लिए कोई एक चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक अंतिम में आकर के आकर सभी को भूल में देखना पड़ा कि इससे आगे जो है आप नहीं मान सकते, नहीं तो सिद्धांत ही नहीं बन पाए, सिद्धांत ही नहीं बन पाए, तो इसलिए इसका अनावस्था है उसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं अजस्व जायमान प्रतिज्ञायान अनावस्था अनावस्था दोष आ जाएगा, ये अभी
अब जो है भाष्य का किले उपख्यान के लिए यहाँ पर अनंत पुरी जी ने अपने श्लोक का अर्थ बता दिया, कारिका के अर्थ में अब भाष्य का किले उपख्यान के लिए अद्वैतम आवेदयंतिया द्वैत निषेध निषेध श्रोत्या आवेदयंती ये प्रातिपदिक है उसका तृतीय एक वचन श्रुति की विशेषण है। श्रुति का तृतीय वचन श्रोत्या मतलब बोध कराती हुई श्रुति आवेदन अद्वैतम आवेदनता वृद्धातु है ज्ञान अर्थ में बोध कराती हुई न बोध कराती हुई श्रुति के द्वारा अद्वैतम आवेदयंता श्रोत्या क्या बनना है वो क्या क्या द्वैत निषेधक द्वैत को अद्वैत को प्रतिपादन करने की इच्छा रखने वाले श्रुति द्वैत को निषेध करती हुई श्रुति को जाकर दिखाते हैं हमको क्या क्या दृश्य हेतु दिया उसके लिए दृश्यत्व जड़त्वादिना युक्ता क्या दिया दृश्यत्वाद जड़त्वाद परिणाम युक्तवाद ये मिथ्यात्व के लिए हेतु होता है इस वस्तु का मिथ्यात्व भगवान भाष्य का तेजी भाष्य में जब वस्तु जद रूपे न निश्चय तत् रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम जब रूपम निश्चय व्यभिचरति तत् अनृतम इसके बाद वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि द्वैतम आवेदयंतम अद्वैतम आवेदयंता द्वैत निषेधे श्रोता दृश्यत्व जड़त्वादिता दृश्यत्व जड़त्वादि युक्ति के द्वारा च तथा विधया निर्धारित अर्थम उस प्रकार की अर्थ मतलब जो अद्वैत पारमार्थिक सत्य है उस प्रकार के विषय को निर्धारण करने के लिए निर्धारणार्थम श्लोक अक्षरार्थकम श्लोक अक्षर अर्थ कथना कथनार्थम अनुगत श्लोक में आए हुए जो पद हैं उस पद की अर्थ को कहने के लिए भगवान भाष्य का विषय को कहकर अनुगत के विषय को अनुवाद करते हैं। श्लोक अक्षरार्थ श्लोक में आए हुए जो पद उसकी अर्थ को कथनार्थम कथन करने के लिए अनुगत जो कह करके पहले था उसको दोबारा बोलते हैं एवं मतलब इसके पहले जो कथन कर गया भगवान भाष्य का एक हमारी परंपरा की एक विशेष शैली है प्रत्येक श्लोक के इसका पहले क्या कथन संक्षेप में बोलेंगे प्रत्येक श्लोक के साथ प्रत्येक श्लोक का जैसे हम बताया था ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय में क्या संबंध है अध्याय के संबंध चाहिए प्रत्येक पाठ के साथ प्रत्येक पाठ की क्या संबंध है प्रत्येक अधिकरण के साथ प्रत्येक अधिकरण का क्या संबंध है केवल इतना ही नहीं प्रत्येक सूत्र का स्थापना सूत्र ऐसा करते मतलब तब जाकर पूरा ग्रंथ अलग अलग प्रतिपादन नहीं करता एक ग्रंथ एक ही धागा में बोलते हैं प्रत्येक पूरा ग्रंथ मिल करके एक वाक्यता बोलते हैं इसको वाक्य एक दोष माना जाता है इसको एक वाक्यता बोलते हैं पूरा ग्रंथ मिला करके एक तत्व के प्रतिपादन करते एक वाक्य मतलब वाक्य का ही है प्रतिपाद्य विषय एक इसको बोलता है दृश्यत्व जड़त्वादिश्यत्वा जड़त्वाद परिणाम इस प्रकार से मिथ्यात्व के लिए हेतु देते हैं युक्ता से तथा निर्धारित उस प्रकार से जैसे वहाँ पर दिखाया गया अंतर विचरित हेतु को देखकर के मिथ्यात्व को प्रतिपादन निर्धारित अर्थम उसको निर्धारण करने के लिए निर्धारण अर्थम श्लोकाक्षरार्थकम श्लोक में आए हुए अक्षर की कथनार्थम अनुवाद उसको कथन करने के लिए अनुवाद करते हैं एवं अब भाष्य में आने पहला है एवं ही श्रुति वाक्य सके सबाह्य अभ्यंतर अयम आत्मतत्व अद्वयम न तत्व अंदर अस्ति इति निश्चितम एतत् इस प्रकार से श्रुति वाक्य के सहारे और श्रुति अनुकूल तत्व के द्वारा उसको पुष्टि करते इसलिए हमारे श्रुति थे ना ऊपर इस पंचम में श्रुति अनुकूल तत्व को अनुसंधी जाता है श्रुति अनुकूलता का अनुसंधान करो आपने बुद्धि प्रभाव है श्रुति वाक्य को पुष्ट करने के लिए जो अनुकूल करते हैं उसका अपना निर्माण और आपका शास्त्र आचार को दिखाया उसका अनुकूल चाहिए एवं ही इस प्रकार से ही श्रुति वाक्य सभी अनेक श्रुति वाक्यों के सहारे श्रुति वाक्य सभी स्वबाह्य अभ्यंतर अयम वो जो अंतर बाहर रहते हुए भी परंतु जन्म रहित तत्व है कौन है वो आत्मतत्व जो हमारे स्वरूप हो हमारे स्वरूप में जो तत्व बैठा हुआ है तत्व मतलब अध्यात्म में रहने वाले हाँ तत्व से हुए तत्व अद्वयम जो है भेद से रहित है अद्वैत मतलब उसमें भेद नहीं आता न तत्व अंदर अस्थि और उससे भिन्न कर संसार में कोई पदार्थ नहीं है न तत्व न तत्व अंदर अस्थि उससे भिन्न कर संसार में कोई प्रगति निश्चितम एकता इस प्रकार से यहाँ तक आकर के इतना निश्चय हो गया युक्ता च अधुना एतत् पुनर्निर्धार्यते इत्यादि
अब क्या श्रुति वाक्य को सहाय लौटे क्या बोला श्रुति वाक्य को सदैव पहले हमने किसके द्वारा चरण किया श्रुति वाक्य को सहाय अब क्या करेंगे श्रुति वाक्य को तर्क के द्वारा दिखाएंगे यानी श्रुति वाक्य जो होता है युक्तिया युक्ति के द्वारा छ अभिनव और अभी अब क्या करना चाहते हैं युक्ति के द्वारा एतदेव उसी को ही इसको हमने प्रतिपादन करके आया मैं कुछ नहीं कहूँगा उसी को ही जो है पुनर्निर्धारित उसको दोबारा निर्धारण निश्चय किया जाता है इसलिए उसके मन में रखते हुए यहाँ पे बोलते हैं इसको अच्छा फिर जो है इसमें आ जाइए टीका में उक्तम एव वस्तु युक्ति अंतरेण पुनर्निर्धारित उत्तर ग्रंथ प्रकृति आह ठीक है ना उक्तम एव वस्तु जिस विषय के बारे में कथन कर दिया गया उसी वस्तु को ही युक्ति अंतरेण एक दुष्ट लॉजिक के साथ दुष्ट लॉजिक के साथ पुनर्निर्धारित दोबारा निश्चय करने के लिए उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति अगला ग्रंथ भाग की प्रवृत्ति अगला ग्रंथ भाग लिखा जाता है इति आह उसी को मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार बोलते हैं इति आह युक्ता च अधुना एतदेव पुनर्निर्धारित अधुना एतदेव पुनर्निर्धारित केन प्रकारेण युक्ता पुनर्निर्धारित अच्छा अब क्या बोलते हैं पूर्वार्धम शंका उत्तर व्याख्यात शंकर इस श्लोक के जो पहला आधा भाग है सतो ही माया जन्म इस श्लोक के पहला आधा भाग है वो किसी शंका के उत्तर मिला पहले से देख करते हैं भगवान भाष्यकर शंका उठा रहे और कालिका का उसका उत्तर दे रहे पूरा ग्रंथ शैली आनंद भी उसको दिखा दे रहे भगवान भाष्यकर शंका को दिखा रहे और कालिका का इसको उत्तर दे रहे इसके पीछे कौन सा शंका उत्तर है वो भाष्यकर दिखा रहे इसलिए अधुना पूर्वार्थम श्लोक के जो आधा अंत है शंका उत्तर शंकुत्तर शंका के उत्तर के रूप में व्याख्या करने के लिए वो शंका के उसको कहते हैं शंका तथ्य भाष्य में फिर आ जाइए तथ्य एक अब उस विषय में इसमें ऐसा होना चाहिए तथ्य इसमें ऐसा होना चाहिए सदा अग्राह्य में बचे तब यदि जो वस्तु हमेशा ग्रहण ही नहीं होता यानी कि वो वस्तु है नहीं जैसे आकाश में जो वस्तु का कभी ग्रहण नहीं होता उस वस्तु है ही नहीं अब जब आपने बोला कि ये इसका ग्रहण ही नहीं होता आपको पता चलेगा यानी कोई वस्तु है ही नहीं ऐसा शंका करने वाले व्यक्ति भी हैं ऐसा शंका जो लोग हैं तत्र एतस्य उसमें इस विषय में ऐसा शंका हो रहा है क्या होता है सदा अग्राह्य में बचे जबकि वो हमेशा ही अग्रह रहता है कि भगवान भाषा एक सदा पर दिया परंतु सदा अग्राह्य नहीं है गैप होते ही ग्राह्य हो जाता है अत्यंत समय अग्राह्य है इसीलिए बोलते हैं सदा अग्राह्य में बचे असत एवं आत्मतत्व दत्त आत्मतत्व जो है आकाश को शून्य की तरह बंधन पूर्ति की तरह असत हो जाएगा यदि अग्राह्य होता है तो भगवान भाषा बोलते हैं अरे तुम्हें दिखाई नहीं देने पर कि रोज तो नए करके व्यवहार कर ही रहे हो चाहे शरीर के साथ मिला करके बोल रहे हो तो बोल तो उसी नए कर रहे हो यदि इसको नहीं बोलते तब आप जो है शिशु के समय उठ करके कैसे बोलते क्योंकि उस आनंद से स्वयं है यदि शरीर को ही आप मानते शरीर तो शिशु के काल में कोई क्रिया नहीं किया और जो शिशु के काल में मन भी फंक्शन नहीं करते परंतु उसके बिना भी आप उठ करके बोलते हैं क्या मैं आनंद से स्वयं यानी कि कोई एक ऐसा तत्व तो है जिसको शरीर के बिना भी आपने ग्रहण किया और ग्रहण करके फिर बोलते हैं कि वो मैं आनंद अवस्था में आनंद स्वयं इसलिए यदि ग्रहण नहीं होता ये बात नहीं है इसका ग्रहण होता है और जैसा सुषुप्ति अवस्था में बिना दोनों शरीर के कारण शरीर के साथ मिलकर तो इसलिए बोलते हैं आपको उठ करके कुछ नहीं जाना अब इस ग्रंथ के शुरू से ही भगवान भाष्यकार एक जगह पर जोर दे रहा है जागृत को सुषुप्ति बनाओ जागृत को सुषुप्ति बनाओ तब तुम्हें आत्मतत्व अनुभव हो जाएगा जैसे सुषुप्ति अवस्था में अपना अस्तित्व तुमको समझ रहता है परंतु उस समय नहीं रहता है उठ करके बोलते और क्या बोलते हो कि मैं आनंद से स्वयं इस आनंद को यदि आप जागृत करके अनुभव करना चाहते हो क्या करना पड़ेगा जागृत को सुषुप्ति बनाना पड़ेगा मतलब क्या है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य छोड़ो तो अपने आप सब करते तो अज्ञान नाश हो जाएगा धीरे धीरे अभ्यास करते करते स्थूल शरीर को निषेध करते करते फिर सूक्ष्म शरीर के इंद्रिय नहीं हूँ मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ अहंकार नहीं हूँ तो हमारे चिदानंद रूप से मनोबुद्धि इसको भगवान भाष्यकर इसी को बताया ये निषेध इसी को बताया कि जागृत सुषुप्ति बना पूरा इसी के जो हमारे छुपा हुआ रस भगवान भाष्यकर पहले ही बोला
इस तत्व को अनुभव करना चाहते हो तो वेदांतिक समाधि और योग समाधि में ये भिन्नता है। कई बार हमने बताया कि वेदांतिक समाधि योग समाधि में ये भिन्नता है, योग दर्शन में समाधि तो आंख नाम का मुद करके अब मन के काम करता है, वेदांत जो बोलता है सारा वस्तु को खुला रख करके समाधि करना है, मतलब क्या है विकल्प ही बंद हो जाए सारा समाधि। जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए वस्तु को आप उठ करके कभी याद करते कि नहीं करते, कभी मन में आता कि नहीं था, हाय मुझे ये प्राप्त हो गया था, बचपन में होने पर भी नेचुरल अवस्था में नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार विचार पूर्वक ये निश्चय हो जाए कि जागतिक वस्तु सारा मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या है, गलती से भी कभी इसका चिंतन मन में नहीं है, बस यही वेदांतिक संबंध है, सारा विकल्प मिल जाता है, आपका पूरा दृष्टि जागृत रहता है, कभी भी वस्तु के सामने प्रतिभास मात्र है, सात्विक वस्तु जैसा दिखाई दे रहा है, जागतिक वस्तु ऐसा एक सात्विक प्रतिभास मात्र है। कि पहले मान लो करना बोल कर गाया अनादि माया शुद्ध जदा जीव प्रबुद्ध थे अजम अनित्यम असत्यम अद्वैतम बुद्ध थे, बोलते हैं शुरू में बोल कर गाया अनादि माया निद्रा में स्वयं हुआ जीव जब जगता है तब उनको पता लगता है अजम अनित्यम असत्यम अद्वैतम बुद्ध थे। और इसमें निद्रा और स्वप्न की परिभाषा भी दिया हुआ है, इसलिए मांडू कर करना अन्यथा बिन्नते स्वप्न निद्रा तत्त्वम अजानत, एक हम निद्रा में सोए हुए हैं हमको पता नहीं लगता, तो मांडू कर स्वयं अपने आप बोलते हैं अन्यथा बिन्नते स्वप्न निद्रा तत्त्वम अजानत, ये जो तत्व को नहीं जानना यही निद्रा है, और नहीं जानने के कारण नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट इज द कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये नहीं जानने के कारण क्या हो जाता है अंधता ग्रहण, ये स्वप्न है ये अंधता ग्रहण है, इसमें सत्य प्रबुद्ध हो रहा है प्रतिभा हो रहा है यही अंधता ग्रहण हो रहा है, इसी को स्वप्न बोलते हैं। अब जब ये जो अंधता रूप में ग्रहण हो रहा है, अब जब निद्रा से जग जाते हैं तो सात्विक वस्तु को हमने देखा कभी भी उसके विषय में मन में चिंतन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से सारा जगत जब सात्विक प्रतिभास मात्र है ऐसा निश्चय हो जाएगा, इस विषय में चिंतन करने के मन की अवस्था से मनोमन हो जाएगा, ये वासना क्षय मनोनाश तत्व साक्षात्कार इसका उपाय है। पूरा मंदिर को कार्य का सुख से भगवान भाष्कर यही बोलते हुए आ रहे हैं, इसी नाम पे बोल रहे हैं कि पूर्वोक्त शंकोत्तर खातुन शंकयति तत्र एतस्य सदा अग्रह्यमेव चेत्, यदि हमेशा ही आत्मतत्व अग्रह्य रह जाता है तब तो असदेव तत्व असत हो जाएगा आत्मतत्व ही, ये दो तत्व तब क्या होगा ये तत्व शंका करने पर तब उत्तर देता है नहीं तब न ये आत्मतत्व असत नहीं होगा, क्यों कार्य घृणा जो अधिष्ठान तत्व है उसका कार्य दिखाई पड़ता है, उसका कार्य दिखाई पड़ता है क्योंकि एक चेतन अधिष्ठाता के बिना जड़ में चेतन जैसे व्यवहार करना संभव नहीं होता, इसको संग्रह वाक्य बोलते हैं। तब ना ये पूर्ववादी का उत्तर आपका शंका सही नहीं है, क्यों है प्रतिज्ञा का क्या हो गया कार्य ग्रहण तब तक इस आत्मतत्व कार्य दिखाई पड़ता है, तो आप यदि वो कार्य मतलब देने की परिणामी कार्य उसको कहने के लिए अगला संग्रह वाक्य की व्याख्या करते हैं। अब भाष्य के पहले अनुवाद में आएंगे यथा सतो माया बिनो माया जन्म कार्यम, ठीक है ना, जिस प्रकार कि सत मतलब पंचमी एक वचन है एक नंबर टिप्पणी बोले सकाशा एक माया एक जादूगर से मतलब सतो माया बिनो एक माया भी जादूगर से माया जितना फर्स्ट आइटम देखा है समथिंग फ्रॉम नथिंग ऐसा एक सिलेंडर दिखाएगा आपको उसको रखेंगे तो हाथ घूमा करके दिखा देगा आपको दिखा देगा कुछ नहीं है वहाँ पे पूरा स्टेज भर देगा इतना सामान निकलेगा पूरा स्टेज भर देगा उसका वहाँ पे सब रखते हैं। तो बोलते हैं जब तक सतह कोई एक माया भी से ही माया जन्म का जो मारी वस्तु का जन्म दिखाई पड़ता है उसका कार्य दिखाई पड़ता है। कोई देखिए कोई एक विद्यमान वस्तु से ही कोई कार्य क्योंकि माया भी वहाँ पर नहीं होता तो इतना मायिक वस्तु नहीं दिखाई देता। कोई एक व्यक्ति है ना विद्यमान वस्तु से मायिक वस्तु दिखाई पड़ सकता है ये तो हम मानते हैं, इसे बोलते हैं यथा सत माया बिनो सकाशा मंत्र पंचमी है वहाँ इसमें कि सत शब्द है पंचमी अर्थ में ग्रहण करके अर्थ कर इसके बाद षष्ठी अर्थ में करेंगे पंचमी अर्थ में सतो माया बिनो माया जन्म कारण माया से उसका जन्म भी कार्य दिखाई पड़ते हैं एवं जगत के किसी प्रकार से जो जगत जन्म कार्य होगी जगत की प्रतीति हमारे सामने हो रहा है जन्मात्मक जो कार्य है जो जन्म है वही कार्य है। यदि यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी जन्म कार्य जन्म रूपम कार्य मतलब यहाँ पे कर्मधारय समास है
जन्मैव कार्य जन्मस्य का गति नहीं, जन्मैव कार्य माया भी प्रदर्शित वस्तु ना, माया भी के द्वारा दिखाया गया वस्तु के समान इस प्रकार ये जाती जगह जागृत वस्तु दिखाई दे रहा है उस समय गृह मानव जो ग्रहण होता है। माया विनम इव एक मायावी के तरह परमात्म संत आत्मान पर आत्मा कौन हो गया एक मायावी, क्योंकि माया आत्मा के अधीन होकर ही काम करते हैं। परमात्म संत आत्मान जगत जन्म माया आस्पदम अवगम है कि जगत की जन्म है माया के आधार पर ही होता है ऐसा समझ में आता है। सत्य जगत की उत्पत्ति होना मतलब माई उत्पत्ति होना संभव यह हम भी मानते हैं, इसीलिए बोलते हैं एक और कुछ प्रकार से जैसे जादूगर अपने माया से पूरा खाली स्टेज में और कुछ नहीं है ऐसा करके वस्तु भर देते हैं माई वस्तु होता है। एवं जगत और जन्म कार्य जगत को भी जो कार्य हमको यहाँ पे ग्रहण हो रहा है माया भी नाम की वजह से एक माया भी को दिखाई देता है उसी प्रकार से परमा माया के स्थान में कौन है आत्मा परमात्म संतम आत्मा ईश्वर, क्योंकि वही निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व को माया उपाधि के साथ ईश्वर बोला जाता है। एक ही तत्व हमारे पास दो तत्व नहीं है बिल्कुल निर्गुण निराकार निर्विशेष वही तत्व माया उपाधि से ईश्वर वही तत्व आप माया उपाधि के साथ जब जगत सृष्टि चिंतन करते हैं सूक्ष्म रूप में तो वो हिरण्यगर्भ होता है और जब कोई कोई अपने आप सृष्टि की कल्पना पूरा करके अपने आप से आ गया उसी को विराट शब्द होता है। इसी को पंचेत शिकार ने बड़ा सुंदर दृष्टांत वगैरह समझाया, कोई चित्रकार अगर कोई चित्र बनाना चाहते हैं तो पहले एक कपड़ा लेते हैं वो कपड़ा सफेद कपड़ा है वो पहले वो मिला का निर्विशेष अब उस कपड़े के ऊपर चित्र बनाने के लिए क्या करेगा मार लगा दिया मार है ना जिसमें पेंसिल चला सकते हैं वो हो गया माया और भीतर चेतक ईश्वर। अब उस कपड़े के ऊपर अपने पेंसिल से कुछ दाग लगाया तो वो केवल चित्रकार ही समझेगा और दूसरे को समझ में नहीं आएगा तो वो हो गया हिरण्यगर्भ वस्तु और फिर उसके बाद उसके ऊपर रंग भर दिया वो हो गया विराट पुरुष। अब देखिए उस विराट पुरुष क्या है एक उस चित्रकार ने एक सुंदर एक मकान दुकान पहाड़ नदी मार्केट मार्केट में व्यक्ति व्यक्ति बाजार से दुकान खरीदे उसमें उस कपड़े के ऊपर अलग अलग व्यक्ति बने हैं उस अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रंग के कपड़ा पहना हुआ है एक ही कपड़े के ऊपर आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं नदी दिखाई पड़ रहे हैं आप उसी पे अलग अलग व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहना हुआ है आप पेपर भी देखिए वहाँ पर ठीक है इसलिए एक ही आत्मा के ऊपर सारा अलग अलग आत्मा दिखाई दे रहा है परंतु उसमें सत्य की आवश्यकता है। एक बार पानी में डाल दो कपड़ा ही व्यक्ति का ही देव सत्य मूल कारण ही सत्य है एक ही कपड़ा को हम लोग चित्र रूप में बदल दिया तो एक निर्गुण निराकार निर्विशेष के लिए हो गया पहला तत्व शुद्ध सफेद कपड़ा है माया उपाधि के साथ उसको ईश्वर बोलते हैं तो मार लगा हुआ कपड़ा है। अब जब चित्रकार ने जब उसके ऊपर पेंसिल से कुछ लगा दो केवल चित्रकार समझता तो उनके मन है वहाँ पे तो वो हो गया हिरण्यगर्भ अवस्था और फिर उसके ऊपर रंग भर दिया तो विराट अवस्था है वहाँ पे एक कपड़ा ही सत्य एक बार पानी में डालो कपड़ा ही तो विचारात्मक दृष्टि से उसको हटा दो शुद्ध कपड़े कृष्णांत दृष्टांत में क्या भिन्नता है कपड़े के ऊपर ऐसा पेंटिंग करना संभव है परंतु आत्मा के ऊपर ऐसा पेंटिंग करना कभी संभव नहीं है क्योंकि सर्वथा संश्लिष्ट पदार्थ है दिखाई उसी को कल्पना कर सकते हाँ यही तो हुआ तदस्वी सूत्र नहीं बोलते तदस्वरूप प्रतिशक्षणाय रूपम प्रतिरूपम अपने ही माया से अपने ही महिमा को देखने के लिए परमात्मा ने अपने आप से कुछ कल्पना है इससे भिन्न कुछ है नहीं कल्पना से भिन्न कुछ है नहीं कुछ इसे को मन में रखते बोलते हैं यहाँ पे उत्तर एवं वस्तु भाष्य में तत्र एक सदाग्रह्यम के असद एवं आत्मकर्तव्य उतरना कार्य ग्रहण कार्यात्मक लिंग देख करके हमको कारण समझ में आ गए। इस प्रकार देखिए आप लोगों के इस समय गंगा जी के पानी थोड़ा स्वच्छ दिखाई देगा जस्ट यदि थोड़ी देर बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे बारिश नहीं है अब ऊपर देखिए मानवीय डैम खोल देते हैं काला पानी दिखाई देता तो इस काला पानी को कार्यात्मक इस काला पानी को देख करके हम कारण को अनुमान करते हैं कि आज देखो डैम की पानी छोड़ दिए होंगे अथवा ऊपर बारिश हो रहा है कार्य को देख करके कारण अनुमान करते हैं है ना इसको होता है कार्य लिंग अनुमान इसी के आपको बोलना है कि कार्य करना यथा सतो माया विन माया जन्म कार्य उसी प्रकार एवं जगत जन्म कार्य मान माया विन देव परमार्थ संतम आत्मान जगत जन्म माया अस्पदम गमयति जगत की सृष्टि माई है यही बोध कराता है तस्मा स्वतो ही विद्यमान कारण माया निर्मित हस्त्यादि कार्य से इव जगत जन्म दुर्जते न असत कारण
ये चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कल जैसा आप पूछ रहे हो तो हम शून्यवाद में पहुँच जाएंगे, हम कभी शून्यवाद में नहीं पहुँचेंगे। नित्य अधिष्ठान भ्रांति कभी होना संभव नहीं है, कभी ना कभी कुछ भ्रांति का अधिष्ठान के बिना हमको कभी भी वो भ्रांत होना संभव है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इसका अध्यास भाष्य में आप देखा वहाँ पर शंका उठाया गया है कि एक व्यक्ति अपने सामने दिखाई दे रहा है वस्तु को ठीक से ग्रहण नहीं होने के कारण वहाँ पे भ्रांति से रज्जु सर्प बोलते हैं, सुक्ति अपराजित बोलते हैं, अथवा बालू पानी बोलते हैं, परंतु यहाँ पर तो मैं आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, वो कैसे वहाँ पर भ्रांति होगा, वहाँ पर कैसे अध्यास हो सकता है, तस्मिन तद्बुद्धि कैसे हो सकता है? तो ये बात नहीं है, आकाश आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, आकाश इंद्रियों में वस्तु है कि नहीं है, नहीं है आकाश, परंतु हम आकाश के ऊपर नील आकार कल्पना करते हैं, आप नील रंग भी कल्पना करते हैं, काला आकार भी कल्पना करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पूर्व अवस्थित साधार सामने जो वस्तु दिखाई दे रहे उसी में आप अभ्यास करेंगे, जरूरी नहीं है, दिखाई नहीं देने पर वहाँ भी अभ्यास किया है, अपने आकाश के देने के बाद फिर यहाँ भी आया, ये जो आपको नहीं दिखाई देने पर भी आप नए नए कर व्यवहार करते हो तो शुद्ध न्याय के ऊपर शरीर के आरोप करके व्यवहार करते, शरीर का आरोप कर दिया आप, ये जो बिल्कुल ग्रहण नहीं, सभी व्यक्ति को ग्रहण करके मैं हूँ, अब मैं क्या हूँ इस विषय में मैं हूँ इसको लेकर के किसी का डाउट नहीं है, परंतु मैं क्या हूँ इसको लेकर के डाउट है, केवल इतना ही हम नहीं जानते कि मैं व्यापक हूँ, मैं असंग हूँ ये नहीं जानते, परंतु मैं हूँ इसको लेकर किसी का शंका नहीं है, इसीलिए इस मैं के ऊपर जो है उसके ऊपर परिच्छिन्नता की आरोप की श्रुति इतना मात्र भाग को हटा मिटाती है, श्रुति मैं हूँ इसको लेकर के प्रतिपादन नहीं करती, श्रुति केवल इतना भाग को मिटाती है तुम जो अपने पे परिच्छिन्न मान लिया इतना तुम नहीं, बस इतना श्रुति काम है ना, इसलिए आप बोलते हैं कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है, इसलिए बोलते हैं कि जस्मा सत ही विद्यमान है, क्योंकि कोई एक विद्यमान कारण से ही तीनों पंच में एक वचन सत ही विद्यमान कारण, विद्यमान एक कारण से ही माया निर्मित सहस्त्रादि कार्य से माया से निर्मित कोई ना कोई वस्तु है वहाँ पे आपको हस्ती रूप में दिखाई दे रहा है, परंतु इस प्रकार प्रोजेक्ट करते हैं सब पीछे कुछ एक वस्तु रख दिया, लाइट दिया पीछे से सामने पर्दा में आपको जो वस्तु दिखाई दे बहुत बड़ा रूप में दिखाई दे, छोटा वस्तु है, इसी प्रकार जो है यस्मात् सत ही विद्यमान, क्योंकि विद्यमान किस कारण से माया निर्मित सहस्त्रादि कार्य से माया के द्वारा निर्मित होता है जो रक्ति आदि कार्य उसका जगत जन्म उस कार्य से प्रकट है, या भी सहस्त्रादि कार्य से इव जगत जन्म, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे षष्ठी एक वचन है इसी प्रकार जगत जन्म यहाँ पे भी जगत जन्म षष्ठी तत्व समझ यहाँ पे ये जगत में षष्ठी है ये मन इसी से निर्णय अस्त्यादि कार्य से जगत जन्म विज्ञते न असत कारण एक असत वस्तु से जगत उत्पन्न हो गया ऐसा काम नहीं कह सकते, हम हमेशा बोलते हैं सत्य विद्यमान वस्तु से जगत की भ्रांति होना संभव है, अविद्यमान वस्तु से भ्रांति होना संभव नहीं है, इसलिए यस्मात् ही विद्यमान कारण माया निर्मित अस्त्यादि कार्य से जगत जन्म विज्ञते न असत कारण असत कोई कारण से है नहीं, कि विद्वान आज यदि किसी ने नहीं कह सकता कि आकाश को सबसे सुंदर माला बना करके बैठाया, ये किसी ने नहीं कहा, ये भगवान भाष्य का ये था जिसे को माई वस्तु हुआ कई कई प्रश्न के आप करते हैं इस बात को, मृग कृष्ण भसी स्नात हम पुष्प कृत शेखर ईशो मंथा शुक्र जाति सशस्त्रिंग था, ये जो बोल है आपका मन में कुछ कंसेप्ट आ रहा है ना, परंतु क्या है आपके सामने मृग कृष्णम भसी स्नातक है ना, मरुभूमि मरुभूमि के पानी में नहा करके हम पुष्प कृत शेखर ना सच सिंह धनुष है, मतलब खरगोश के सिंह के द्वारा बना हुआ धनुष को हाथ में लेकर के हम पुष्प कृत शेखर आकाश कुसुम के द्वारा एक मुकुट बना करके ये शुभ बंधा शुद्ध होता है, ये जो बंधा शुद्ध होता है, अब जो हमने शब्द आपके सामने प्रयोग किया आपके मन में लग रहे हैं ना कोई एक व्यक्ति को जा रहे हैं उनमें क्या है गुरु ये भाष्य का भी श्लोक है ये देखते हुए भाषा तो ये एक कुछ है ही नहीं बंद शब्द प्रयोग होता है, इसलिए जो दर्शन होते हैं शब्द ज्ञान अनुपति वस्तु शून्य विकल्प ये विकल्प को बंद हो जाता है, निर्विकल्प समाधि वेदांत में किसको बोलते हैं सारा विकल्प बंद हो जाता है, इसी में आपको बोलते हैं जस्मा सत ही विद्यमान कारण माया निर्मित सहस्त्रादि कार्य सिंह जब जन्म युद्ध के नाशक कारण न तो दत्त एवं आत्मन
जन्म जुटे पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा से उत्पत्ति, क्योंकि यहाँ पे पंचमी अर्थ होता है ना, न तो दत्त एवं आत्मा नतो का पंचमी अर्थ, इसलिए आत्मा से किसी का जन्म होना संभव नहीं है, क्योंकि सत शब्द वास्तव पंचमी भाग को पूर्व कर दिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आत्मन आत्मन प्रतिपादित है। इसका द्वितीय बहुवचन पंचमी वचन षष्ठी प्रतिशत एक रूप दिखेगा आपको, आत्मन द्वितीय बहुवचन पंचमी वचन षष्ठी एक, यहाँ पे पंचमी एक वचन है, ठीक है ना। धतु दत्त एवं आत्मन जन्म की पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा से किसी की उत्पत्ति होना युक्ति संगत नहीं है, ये पहला पंचमी अर्थ करती है। अब बोलते षष्ठी अर्थ अथवा सत, देखिए आप क्या बोला, विद्यमान से पहले कहते विद्यमान कारणात्, भाष्य भी से आपको पता रहेगा विद्यमान कारणात तो पंचमी है, अब विद्यमान से कारण से षष्ठी है, इसलिए सत सत अथवा सत विद्यमान से वस्तु न है ना, विद्यमान भी वस्तु यहाँ पे प्रातिपदिक है वस्तु, ठीक है ना। अब वहाँ पे नुम अजी अतिको अच्छी विभक्त हो नुम का मोदन है वहाँ षष्ठी वचन मधुना वस्तुन अथवा सत विद्यमान वस्तुन रज्जु आदि है ना, विद्यमान वस्तु का है ना जो रज्जु आदि का सर्पाधिपत सर्पादि के समान माया जन्म जुज्यते, रज्जु आदि का सर्प आदि का माया रूप में जन्म होना संगत हो जाते हैं, रज्जु आदि का माया सर्प रूप में उत्पन्न होना, रज्जु आदि का रज्जु आदि से नहीं रज्जु आदि का माया रूप में उत्पन्न होना संभव हो जाता, माया से उत्पन्न होना किस रूप में होगा, सर्प पूछी तो दंड लधर माला इस प्रकार से उत्पन्न होगा, इसके बोलते हैं सत विद्यमान वस्तु रज्जु आदि के चार षष्ठी वचन है। सर्पाधिपति दृष्टान्त है, सर्पादि के समान माया माया जन्म जुज्यते, माया से इसका उत्पत्ति होना संभव हो जाता है, न तो तत्व तो तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकता, जैसे ये दृष्टान्त है तथा उसी प्रकार से अब ग्राह्य विषद देखिए जो ग्रहण जन्म नहीं है उस प्रकार सत्यत्व का एक आत्मा सत्यत्व युद्ध आत्मरूप है, रज्जु सर्प के समान जगत रूपेण माया जन्म जुटे, जगत रूप से माइक रूप में दिखाई पड़ता है, ये कहना बुद्ध संग्रह हो जाता है, न तो तत्व तात्विक दृष्टि से होना संभव नहीं है, तत्व अजस्य आत्मा न जन्म तात्विक दृष्टि से जन्म नहीं आत्मा का फिर जन्म हो जाए ये व्याघात दोष ही होना संभव नहीं है। वहाँ पे देखिए दो नंबर की बड़ी विकल्प है, वहाँ पे है सर्पाधिपत, ठीक है ना, सर्पाधिपत मतलब क्या बोला सर्पाधि सर्पादि रूपेण वही रज्जु सर्पो धरा माला दंड रूप में उत्पन्न हुआ जैसा उस रज्जु का उत्पन्न दिखाया वहाँ पे। अब तीन नंबर रज्जु सर्प का तीन नंबर टिप्पणी तथा तथेति स्वपदम वर्णयंती, स्वपदान जो वर्णनती भाष्य के लिए कुछ लक्षण है, अपने पद की अर्थ अपने आप ही करते हैं, स्वपदम जो होते हैं स्वपदम वर्णयंती, कैसे उत्पन्न हुआ रज्जु सर्प का जगत रूपेण माया जन्म, मतलब उसी आत्मा का रज्जु सर्प समान जगत रूपेण माया से जन्म होना संभव है, इसके पारमार्थिक जन्म होना संभव नहीं है। ये तो हो गया पहला लाइन का अर्थ हो गया सतो ही माया न जन्म जुज्यते न भी तत्त्वतः, सेकंड लाइन क्या है तब तत्व जायते यस्य जातं तस्य विकारितः, अब सेकंड लाइन का अर्थ करते हैं यस्य पुनः परमार्थ सब अजा परमार्थ सब अजायमान अजम आत्मदत्तम, यस्य पुनः परमार्थ सब अजम आत्मदत्तम जगत रूपेण जायते बाधिन न ही तस्य अजम जायते निष्पम वक्तुं विरोधा, वो जन्म नहीं थे या तो पैदा हुआ भी आप नहीं कह सकते, वो बदल तो व्याघात दोष है, मैं कहूँ कि मेरा जीवन नहीं है आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे क्यों, बोलते इतना दिन भर बर बर करते रहे कर बोलते जीवन नहीं है, तो यहाँ भी बोलेंगे ऐसा व्याघात दोष होता है, इधर आप बोलते हो कि जन्म नहीं है आप बोलते हो जन्म हुआ व्याघात दोष है, सीधा सीधा लिखा आप बोल रहे हैं जस्त पुनः परमार्थ सब अजम आत्मतत्व जगत रूपेण जायते, जिस पादी के मत में ये पारमार्थिक सत्य जो है जन्म रहित आत्मतत्व वही जो है जगत रूपेण जगत रूप में उत्पन्न होने इस प्रकार बोलने वालों का नहीं तस् अजम जायते, वो ये नहीं कह सकता कि अजम भी पैदा होता है, ये सत्कम भक्त हो ये आप नहीं बोल सकते हैं, प्रतीक का विरोध हो जाएगा आपको, है ना, ये शास्त्रार्थ नहीं होता विरोध आपके विरोध हो जाएगा, तथा आप उससे कह जाएगा तस्य अर्थात जातम जायते, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा
जो पैदा हुआ है उसी उसका ही जन्म होना सामने है, उसका ही जन्म होना है अथवा उससे दोनों अर्थ ले जाएगा क्योंकि आपन्न ये प्राप्त हो जाए तदस्य अनवस्था इससे क्या हो जाएगा अपन अवस्था उससे प्रसिद्ध हो जाएगा जाता जाए मन क्योंकि जन्म हुआ वस्तु से फिर जन्म हो रहा है तो जन्म हुआ जिस वस्तु से वो कहाँ से आया उसके लिए कोई वस्तु चाहिए फिर उसका उसके लिए वस्तु नहीं दिया अवस्था वस्तु होते हैं इसको इसलिए जाता जाए मन जान बने मतलब जन्म संपत्ति होता मतलब एक जन्म को सम्मत रूप से प्राप्त करने के बाद उससे फिर जन्म हुआ जन्म को सम्मत रूप से प्राप्त करने के बाद इस पिता से दादा से पिता पिता से पुत्र पुत्र से पत्र इस प्रकार जो जन्म लिया उससे फिर जन्म ऐसा हमारा संभव इसका जो होते हैं जाता जन्म संपत्ति तथा इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अंतिम तक जाएंगे तो जब तक आप नहीं मानेंगे जिस भगवान से पिता हमस्य जगत और माता था एक अंतिम एक पिता को नहीं मानेंगे तो अनवस्था तो चलते ही नहीं सिर्फ नवमचन भगवान बोलते हैं ना पिता हमस्य जगत और माता भाता संपूर्ण जगत एक मंत्र मैंने खत्म मैं नहीं हूँ वहीं से सबका विस्तार हुआ है ना इसीलिए एक जगत आप ऐसा मानना चाहिए मैं तो अनवस्था को सा है अब वो भगवान को आप जन्म वाला मानव के नहीं मानोगे खूब सामान्य दृष्टांत से एक समझ लो भगवान को यदि पिता हम मस्जिद हो ये बोल रहे पिता हम मस्जिद जगत का माता दादा पिता हो यदि उसके पीछे भी कोई पिता ढूंढोगे तो अनवस्था को सा इसलिए भगवान का जन्म है और अजो भी शाश्वत हो गए पुराण इस प्रकार से बोलते हैं ना तो फिर चतुर्थ अध्याय में भी आते हैं कि जन्म कर्म जो मे दिव्य है ना प्रतिदिन हो जाए पारमार्थिक नहीं है जाता जन्म संपत्ति के बुद्ध में तो पैदा हुआ इस प्रकार व्यक्ति से फिर एक और उत्पन्न होना संभव है इससे अनवस्था लोग आते हैं इसलिए जाताचार्य मानते तस्मात अजम एकम देव आत्मतत्व इसे मनुष्य क्या है एक जन्म नहीं आत्मतत्व ही पारमार्थिक सत्य इसमें ये शुरू हो गया तस्मात अजम जन्म नहीं एकम एवं है ना यदि एकम एवं तब सजातीय विजातीय देवदार स्वगत भेद से रही है एक शब्द के द्वारा आत्मतत्व वो पारमार्थिक आत्म वस्त्र इति शेखन ये शुरू हो गया तस्मात ऊपर पांच नंबर टिप्पणी जन्मनो मायिकत्व जन्म मायिक है माया से जन्म दिखाई देने के कारण पारमार्थिक आत्मतत्व शब्द वस्तु भी सूचित हो गया कौन सा आवाज दूसरा कल पहले वाला किए थे प्रज्ञा लास्ट में तो बिल्कुल लास्ट में है जहाँ पे भगवान शंकराचार्य तो गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं प्रज्ञावशाखेधुभिजलनेमस्थानोरे समुद्रे कारुण्यामृतमिदुर्लभम भूत जस्तम पूजा भी पूजम परमं दुर्मनम पादपादे नमोस्मि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शंकरं शंकरा।